दादू, किसी को मारना बुरी बात है? बहुत बुरी बात है। पहाड़ी के लावा को बाहर मत बुलाओ, ना बचेगा गांव, ना तेरा वजूद। इस संसार में जो शुरू होता है उसका अंत होता है, पर कुछ चीजों की शुरुआत अंत होने के बाद शुरू होती है। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज। क्लाइमेक्स ने लूटा शो, जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिकल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिक्कल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी और 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एचआईवी अटैक आते हैं, तो वही माँ नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तब दला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्कल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुँचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट आपकी शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो
पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट आपको लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिप्स रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिप्स कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहां उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कहीं से भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोडे के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज, क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिकल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिक्कल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी ओर 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एंग्जायटी अटैक आते हैं, तो वही माँ नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्कल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुँचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट आपके शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट आपको लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिप्स रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं।
फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिस्प कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहां उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कैसे भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोड़े के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज। क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिकल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिकल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांव कर उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ है। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसर करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी ओर 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एचआईवी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट आपकी शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट आपको लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिप्स रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेमेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिस्प कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहां उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कैसे भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोड़े के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है।
ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज, क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिक्वल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपेट क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिक्वल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी ओर 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एचआईवी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुँचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट हाफ की शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट हाफ को लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिस्प रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेमेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिस्प कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहाँ उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कहीं से भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होते हैं। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोड़े के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज, क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिक्वल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपेट क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर
सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिक्कल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांव कर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी ओर 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एजआईटी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्कल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट हाफ की शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट हाफ को लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिस्प रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेमेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिस्प कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहां उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कहीं से भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोड़े के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज, क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिक्वल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिक्कल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी ओर 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है।
बड़ी बेटी अंजू को जहां एचआईवी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुँचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट आपकी शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट आपको लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिप्स रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेमेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिप्स कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहां उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कहीं से भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोडे के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज, क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिक्वल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिक्वल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ है। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी और 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एचआईवी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी।
निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट हाफ की शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट हाफ को लंबा खींचा गया था जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिप्स रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेमेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिप्स कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहां उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कैसे भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोड़े के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज। क्लाइमेक्स ने लूटा शो, जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिक्वल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपेड क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिक्वल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसर करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी ओर 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एंग्जायटी अटैक आते हैं तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट हाफ की शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट हाफ को लंबा खींचा गया था जबकि उसकी तुलना में यहाँ
मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिप्स रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिप्स कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहां उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कहीं से भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोडे के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज, क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिकल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिक्कल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी और 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एचआईवी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्कल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुँचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट हाफ की शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट हाफ को लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिप्स रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिप्स कर सकते थे।
अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहां उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कैसे भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोड़े के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज। क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिकल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिकल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी ओर 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एंजाइटी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुँचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट हाफ की शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट हाफ को लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिस्प रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेमेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिस्प कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहां उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कैसे भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोड़े के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो
फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज, क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिकल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिकल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी और 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एजआईटी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तब दला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट आपकी शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट आपको लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिप्स रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेमेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिप्स कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहां उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कहीं से भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होते हैं। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोडे के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज, क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिक्वल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिक्वल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है।
गोवा में रहने वाले विजय सलगांव को कर उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी और 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एंजाइटी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सीक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुँचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट हाफ की शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट हाफ को लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिप्स रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्टरूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेमेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिप्स कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहां उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कैसे भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोड़े के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज, क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिकल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिक्कल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी और 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एंजाइटी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है।
गोवा में एसपी तरुण अहलावत जो मीरा के दोस्त भी है का तब दला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुँचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट आपकी शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट आपको लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिप्स रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेमेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिप्स कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहाँ उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कहीं से भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोडे के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज। क्लाइमेक्स ने लूटा शो, जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिक्वल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपेड क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिक्वल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी ओर 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एचआईवी अटैक आते हैं, तो वही माँ नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत जो मीरा के दोस्त भी है का तब दला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है
तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट हाफ की शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट हाफ को लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिस्प रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेमेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिस्प कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहां उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कहीं से भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोड़े के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज। क्लाइमेक्स ने लूटा शो, जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिकल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिकल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी ओर 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एंजाइटी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट हाफ की शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट हाफ को लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहां मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिस्प रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है।
कोर्टरूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेमेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिस्प कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहां उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कहीं से भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोड़े के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज, क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिकल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिक्कल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी ओर 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एंजाइटी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट आपकी शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट आपको लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिप्स रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्टरूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेमेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिप्स कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहां उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है।
अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कहीं से भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोडे के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज, क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिकल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिक्कल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी ओर 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एजआईटी अटैक आते हैं, तो वही माँ नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्कल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुँचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट हाफ की शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट हाफ को लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिप्स रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेमेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिप्स कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहाँ उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कहीं से भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोडे के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं,
अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज, क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिकल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपेट क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिकल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांव कर उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ है। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसर करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी ओर 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एचआईवी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुँचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट आपकी शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट आपको लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिप्स रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेमेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिस्प कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहाँ उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कहीं से भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोड़े के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज, क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिकल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपेट क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिक्वल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ है। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है।
विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी ओर 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एचआईवी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्कल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुँचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट हाफ की शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट हाफ को लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिस्प रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेमेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिस्प कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहां उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कहीं से भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होते हैं। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोड़े के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज, क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिक्वल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिक्कल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी ओर 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एचआईवी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है
और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सीक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट आपकी शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट आपको लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिप्स रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेमेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिस्प कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहां उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कहीं से भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोड़े के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज, क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सीक्वल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिक्कल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी और 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एचआईवी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सीक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया है।
भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है। और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट आपकी शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट आपको लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिप्स रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिप्स कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहां उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कहीं से भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोडे के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज, क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिकल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिक्कल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी ओर 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एजआईटी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्कल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है। और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट आपकी शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट आपको लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिप्स रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का
20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिस्प कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहां उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कैसे भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोड़े के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज, क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिकल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिकल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांव कर उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ है। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसर करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी ओर 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एचआईवी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट आपकी शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट आपको लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिप्स रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिस्प कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहां उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कैसे भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है।
बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का केदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोडे के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज, क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिकल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिकल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ है। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी और 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एचआईवी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुँचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट हाफ की शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट हाफ को लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिप्स रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेमेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिप्स कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहाँ उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कहीं से भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होते हैं। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोडे के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज, क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में।
इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिकल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिकल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी ओर 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एंजाइटी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट हाफ की शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट हाफ को लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिस्प रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेमेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिस्प कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहाँ उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कहीं से भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोड़े के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज, क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिक्वल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिक्वल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है।
फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी और 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एचआईवी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तब दला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुँचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट आपकी शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट आपको लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिप्स रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेमेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिप्स कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहां उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कहीं से भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होते हैं। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोडे के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज, क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिक्वल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिक्वल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी और 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एचआईवी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तब दला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल
इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सीक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट हाफ की शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट हाफ को लंबा खींचा गया था जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिप्स रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेमेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिप्स कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहाँ उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कैसे भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोड़े के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज। क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिकल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिक्कल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांव कर उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसर करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी ओर 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एचआईवी अटैक आते हैं तो वही माँ नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत जो मीरा के दोस्त भी है का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सीक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं
जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट आपकी शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट आपको लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिप्स रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिप्स कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहाँ उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कहीं से भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोडे के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज, क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिकल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिक्कल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी ओर 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एचआईवी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्कल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुँचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट आपकी शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट आपको लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिप्स रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई
खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिस्प कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहां उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कहीं से भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोड़े के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज। क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिकल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिकल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी ओर 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एजआईटी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुँचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट हाफ की शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट हाफ को लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिस्प रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेमेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिस्प कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहां उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कहीं से भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होती है। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोड़े के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी
दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म में अक्षय खन्ना करेंगे सरप्राइज, क्लाइमेक्स ने लूटा शो। जाने कहां देखे फिल्म दृश्यम 2 को फ्री में। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सिकल को लेकर फैंस के बीच इतना हाइपर क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सिकल लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूसिंग करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्रॉप पर दोबारा काम कर रहा है। वही दूसरी और 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार सदमे में है। बड़ी बेटी अंजू को जहां एचआईवी अटैक आते हैं, तो वही मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलावत, जो मीरा के दोस्त भी है, का तबदला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सिक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठ कई सिनेमा मालवर्स के मलयालम वर्जन देखी है, तो जाहिर है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया है। भले आपको क्लाइमेक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सोने पर सुहागा। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर होते हैं और कुछ आपको हैरान कर देते हैं। फर्स्ट आपकी शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दे तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट आपको लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ मेकर्स ने स्मार्ट प्ले करते हुए उसे थोड़ा क्रिप्स रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और अंत तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाती पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक्स जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आते हैं। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही दमदार गुजरता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो हर सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्डअप करने में फ्यूल का काम करता है। सिनेमेटोग्राफर सुधीर के चौधरी के कई खूबसूरत शॉट ने गोवा को एक अलग नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े अजीब लगते हैं। फिल्म शुरुआत के 20 मिनट स्लो है, जिसे एडिटर संदीप फ्रांसिस थोड़ा और क्रिप्स कर सकते थे। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी है। हालांकि प्रिकल की तुलना में यहां उनकी एक्टिंग उतना प्रभावित नहीं करती है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म का दिलचस्प पहलू है। अक्षय कहीं से भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होते हैं। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंट किया है। बेटी के रूप में इशिता और मृणाल का किरदार के प्रति कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर साफ झलकता है। इंस्पेक्टर गायटोडे के रूप में कमलेश सावंत का काम बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी विकर लगती है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो।